हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो है गेट रेडी विद मी फॉर दिस वैलेंटाइंस डे। तो मैंने यहाँ पर आज दो ऐसे लुक चूज किए हैं जिसमें एक में वेस्टर्न ड्रेस है और एक में इंडियन है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है इसका मतलब वेस्टर्न ड्रेस ही पहना जाए, ऐसा किसने कहा है। हम इंडियन कपड़े भी पहन सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न लुक से। तो यहाँ पर ये मेरे पास है रेड कलर की ड्रेस, बहुत ही अच्छा रेड का शेड है, थोड़ा सा डार्क है, डीप रेड है। सो इट्स अ स्ट्रैप वाला ड्रेस, इसमें जो स्ट्रैप है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बकल दिया गया है, फ्रंट में ये ऐसा है और बैक में है इसके स्मॉकिंग पैटर्न यानी इलास्टिक दिया गया है। एंड बाकी यहाँ पर पूरा लॉन्ग ये ड्रेस है और डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। जॉर्जेट का इसका मटेरियल है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है। एंड क्योंकि जॉर्जेट पतला होता है, इसके साथ इसके अंदर लाइनिंग भी दी गई है, अस्तर भी दिया गया है। तो यहाँ पे है इसके अस्तर जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। इसके साथ क्या क्या चीज़ें मैंने पेयर करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, एंड साथ में जो भी मेकअप इसके लुक में आप देख रहे हैं इन सबके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। इस ड्रेस के साथ मैं पेयर कर रही हूँ ये वेजेस। अब ये जो वेजेस हैं काफ़ी अच्छे हैं, लाइट वेट हैं। आप अगर चाहें तो जो स्टिलेटोज होते हैं वो भी पेयर कर सकते हैं। मैं सोच रही थी स्टिलेटोज दिखाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ कंफर्टेबल अगर आप प्रेफर करेंगे तो कुछ कंफर्टेबल दिखाया जाए। स्टिकर मैंने अभी निकाला नहीं है, निकाल दूंगी। सो ये है मोची ब्रांड से, इसमें ब्लैक कलर का भी ऑप्शन अवेलेबल था। सिंपल है, पहनने के बाद काफ़ी एलिगेंट लगते हैं ये पैरों में, और इजी टू कैरी है। हील्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मीडियम हील्स हैं। एंड मोची ब्रांड से है तो मेक एंड फिनिश इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये फुटवेयर मैं इस ड्रेस के साथ पेयर कर रही हूँ। इस ड्रेस के साथ जो मैंने नेक्स्ट ईयरिंग्स लिए हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, तो पास से मैं आपको दिखाऊंगी ही। इसमें दो पर्ल्स हैं और दो रोज़ बड्स हैं और छोटा सा पेटल है। काफ़ी डिफरेंट टाइप के ईयरिंग्स हैं। अब जैसे पर्ल सामने की तरफ आएगा और पीछे की तरफ ये रोज़ बड आएगा। आई थिंक कुछ कोरियन इंस्पायर्ड ये ईयरिंग्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी मुझे लगे। और मैंने सोचा कि रेड के साथ रेड ही ज़रूरी नहीं है, पिंक भी अच्छा लगेगा, सो मैंने इसके साथ ये चूज़ किए हैं। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, काफ़ी सटल ये ईयरिंग्स हैं। आज के इन दोनों लुक्स में मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली पर्स। तो ये रेड कलर की है और मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। रेड कलर भी है, एट द सेम टाइम क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। लावी ब्रांड की ये पर्स है, स्लिंग है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। पीछे इसमें ज़िप दी गई है और जो मेन ज़िप है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस है। सो ये ऐसी बैग है जिसमें सामान भी आ जाएगा और दिखने में भी अच्छी है। इस लुक में मैं पहन रही हूँ ये ब्रेसलेट, बहुत ही प्रिटी सा नाजुक सा ब्रेसलेट है और एडजस्ट करने के लिए पीछे एक बीट दिया गया है। इसमें चेन ही है बट एडजस्ट करने के लिए एक बीट दिया है। इसमें सामने की तरफ इसमें स्टोन्स दिए गए हैं और रेक्टेंगल शेप के भी हैं, सर्कल शेप के भी है। ओवरऑल दिखने में काफ़ी अच्छा है, आप जो क्लोजर लुक इसका देखेंगे उसमें आपको समझ आ ही जाएगा। इसे आप इस तरह के ड्रेसेस के साथ या फिर जीन्स टॉप के साथ या साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। अगर कोई सिंपल सी कॉटन की साड़ी हो उसके साथ भी ये बहुत प्रिटी लगेगा। नेक्स्ट लुक के लिए मैंने ये वाली कुर्ती चूज़ की है। इस शेड का नाम है रेड फ्लोरल, बट ये थोड़ी सी पिंकिश है, बट मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा लगेगा ये वाला लुक जिसमें इस कुर्ती को पहना जाएगा। एंड इसके साथ ब्लैक कलर की लेगिंग्स अच्छी लगेंगी, या फिर अगर इस तरह की मस्टर्ड येलो कलर की लेगिंग्स हैं तो वो भी इसके साथ बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो ये फ्रंट में ऐसी है एंड बैक में ऐसी है। तो ये कुर्ती एज वेल एज जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई ये दोनों मैंने एस यानी स्मॉल साइज़ में ख़रीदी है। एंड इसके साथ मैं पेयर कर रही हूँ ये वाली चप्पल, ये बाटा ब्रांड की है। बहुत ज़्यादा हील्स नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, थोड़ा सा पीच सा शेड है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लगेगी इस कुर्ती के साथ।
इस लुक के साथ मैंने ये ऑक्साइड इयररिंग्स चूज किए हैं, बहुत ही प्रिटी है, ट्रायंगल है ऑक्साइड वाले एंड हल्के फुलके छोटे से इयररिंग्स हैं। बहुत बार ऑक्साइड में हम देखने जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े हैवी इयररिंग्स होते हैं और डिज़ाइन जो होती है कुछ इक्की दुक्की डिज़ाइन ही होती है जो रिपीट में दिखती है, बट ये बहुत ही डिफरेंट है और प्रिटी है एंड लाइट वेट, ईजी टू वेयर एंड ईजी टू कैरी। एंड साथ में है ये वाला ब्रेसलेट, तो ये कड़ा है, ऑक्साइड कड़ा ही है एंड अगेन ऑक्साइड में अगर आप कड़ा या चूड़ी देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा और बहुत लाउड होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा नाजुक सा कड़ा है और ऑक्साइड में है। इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।